सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो गाइज, आज नए दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और इसी के साथ आज हम अपने इस वाले ब्लॉग के अंदर बात करने वाले हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के अंदर जो शुरू हो चुकी है हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। जी हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज से यात्रा करना चाहते हैं तो गाइज अभी यू नो साइट पर ओपन हो चुकी है हेलीकॉप्टर सर्विसेज, और थोड़ा सा यू नो वीडियो बनाने में लेट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यू नो सीट्स वगैरह अपने को ना मिले, बट ट्राई कर लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपने को हो सकता है अभी स्टार्टिंग की सीट्स ना मिले, तो एंड की सीट्स तो शायद मिल ही जाएंगी। तो फिलहाल फटाफट से वेबसाइट पे चलते हैं, ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अगर आप भी यात्रा प्लान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो कैसे आप यात्रा को बुक कर सकते हैं। सो गाइज, आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है और आप देख सकते हैं जी, गूगल पर हमने डाल दिया श्री अमरनाथ जी की यात्रा, और अभी इसको जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, और कुछ ऐसी ये आप देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है और कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा होम पेज। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जो करना है वो करना है हेली फैसिलिटीज़ पे जाना है, और फैसिलिटीज़ पे जाके हेली सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। हेली सर्विसेज पे आप क्लिक करके आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए जी, अब ये आपके पास ये सारे ऑप्शंस पहले दिखाता है, इनको आप देख लीजिए। ये है जी सर्विस प्रोवाइडर, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं ये वो हैं। एक तो है जी नीलगढ़, पंचतरणी नीलगढ़। तो ये नीलगढ़ वाला ये बेसिकली बालटाल वाला रास्ता है। अगर आप बालटाल से आ रहे हैं तो ये वहाँ पर नीलगढ़ से आपकी यू नो हेली सर्विसेज स्टार्ट होती हैं और पंचतरणी पहुँचती हैं। अगर आप पहलगांव वाले रास्ते से आ रहे हैं तो जी पहलगांव पंचतरणी पहलगांव टू एंड फ्रो सर्विसेज हैं, तो वो पहलगांव से ही शुरू होती है और फिर पंचतरणी फिर पहलगांव। इसके बाद तीसरा है जी श्रीनगर नीलगढ़ और फिर श्रीनगर। तो ये जी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर है, तो बहुत ही ज़रूरी था ये आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ बालटाल और पहलगांव से ही हेली सर्विसेज की यात्रा होती होगी, क्योंकि जो पैदल मार्ग है या घोड़े वगैरह से भी जो जाया जाता है वो सिर्फ पहलगांव और बालटाल से ही जाया जाता है। बट श्रीनगर में भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, आप श्रीनगर से भी डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं नीलगढ़ के लिए, और नीलगढ़ से दोबारा आप हेली सर्विसेज लेके सीधा जा सकते हैं पंचतरणी, पंचतरणी से वापस नीलगढ़ के लिए। तो जी चलिए अब इनको देखते हैं कि बुक कैसे कर सकते हैं। तो इसके बुक करने के लिए अभी आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया हुआ है रूट प्रोवाइडर, ये देखो जी बालटाल वाले रूट का, ये देखो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, और ये देखो जी कंसोर्टियम, ये कंपनी है ऑफ मैसर्स एरो एयरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। एक है जी पहलगांव रूट के लिए कंसोर्टियम ही है, और ये श्रीनगर नीलगढ़ श्रीनगर इस वाले के लिए ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो अगर आप श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो श्रीनगर पहुंचकर जी आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर ले सकते हैं नीलगढ़ के लिए, और नीलगढ़ से फिर आप ये वाला हेलीकॉप्टर ले सकते हैं आगे, ठीक है जी। मतलब पहले आप श्रीनगर आइए, नीलगढ़ जाइए, नीलगढ़ से आप सीधा फिर ये बालटाल वाले रूट से हेलीकॉप्टर लेके सीधा होली केव तक, पवित्र गुफा तक पहुँच सकते हैं। तो जी अभी इसको ऊपर करते हैं जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर करते हैं जी क्लिक हेयर टू बुक, ठीक है जी। जैसे ही मैंने क्लिक हेयर टू बुक करा, देखिए जी यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। एक तो यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वीडियो भी बना चुके हैं। एक ये जी पेमेंट वगैरह जो डाउनलोड करनी होती है परमिट वगैरह के लिए, ये आ गया जी अपना हेलीकॉप्टर बुकिंग। ये आप अगर वर्चुअल प्रसाद पूजा सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी है जी। अभी हेलीकॉप्टर के बाद एक बार मैं ये भी आपको दिखा दूंगा कि ये वर्चुअल पूजा सर्विसेज कैसे आप ले सकते हैं, ये डोनेशन वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ये इनका अपना जो डिपार्टमेंट लॉगिन है उसके लिए है। चलते हैं जी हेलीकॉप्टर वाले पे, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो जी यहाँ पर आ गया, ये स्टेप्स लिखे हैं जी। आपको पहले ना अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से यहाँ पर एक अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद आप लीड प्रोफाइल पैसेंजर क्रिएट हो जाती है आपकी, और आप उसमें को पैसेंजर्स ऐड कर सकते हैं, फिर आप बुक कर सकते हैं हेली टिकट और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हेली टिकट। तो जी ये कुछ ऐसा पूरा इन्होंने सिंपल किया हुआ है फॉर्मेट को। अब बात कर लेते हैं जी कुछ चीज़ों की
जैसे कि अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए जी, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग जनरल वे में स्किप कर देते हैं, और आगे जाके जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं यात्रा के दौरान, तब हमें पता चलता है कि यार ये वाली चीज़ ज़रूरी थी, ये वाली चीज़ ज़रूरी थी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई यात्रा नहीं करने दी जाती, रोक दिया जाता है। तो बहुत सारी इशूज़ से बचने के लिए बेटर होता है कि हम 2 मिनट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है। देखिए जी, आप साइन अप यूजिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड प्रोसीड टू क्रिएट लीड पैसेंजर प्रोफाइल। सबसे पहले आप अपनी लीड पैसेंजर प्रोफाइल बना लीजिए। द लीड पैसेंजर शैल मैंडेटली बी डन ऑफ द पैसेंजर्स फॉर बुकिंग डन थ्रू द अकाउंट क्रिएटेड एज अबोव। जो लीड पैसेंजर होगा ना जी, वही जो भी उसके साथ जो पैसेंजर जा रहे हैं उनकी बुकिंग एक ही बार में, मतलब वो अपने साथ ही करेगा। मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स कैन बी एडेड एज को पैसेंजर्स। मैक्सिमम आप 5 बंदे अपने साथ ऐड कर सकते हो एज ए को पैसेंजर, मतलब आपके साथ जो बंदे हैं जो आप बुकिंग करेंगे उनके अपने साथ, वो 5 बंदों की कर सकते हैं। इसी के साथ आपको फोटो आईडी JPEG या JPG फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आपकी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वो 1 MB से लेस हो जाती है कंप्रेस करके। तो 1 MB से लेस आपको उसको करके अपलोड करना पड़ेगा। को पैसेंजर डिटेल्स जो है वो एक बार जो आपने एंटर कर दी है तो भाई वो फ्रीज हो जाती है। यही ऐसा श्री वैष्णो देवी जी की यात्रा में भी देखा गया है। वहाँ पर भी आप जब ऑनलाइन कुछ भी अकोमोडेशन वगैरह रोपवे कुछ भी बुक करते हैं तो एक बार ही आप जो बुक कर देते हैं, जिस नेम से बुक कर देते हैं, वो फिर अमेंड नहीं हो पाता। और देर आफ्टर को पैसेंजर डिटेल शैल बी व्यूएबल इन द बुकिंग लिस्ट। ठीक है, डिटेल्स ऑफ लीड पैसेंजर एंड को पैसेंजर वन सेव फ्रोजन कैन नॉट बी एडिटेड। देखा जी, वही चीज़ है, लीड पैसेंजर को पैसेंजर किसी की भी एडिट नहीं हो सकती जी। बाद में आपने जो करा, आप बहुत ध्यान से स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करिए। आधार कार्ड में जो भी आपका जो भी आईडी प्रूफ आप लेके जा रहे हैं, जनरली आधार कार्ड ही लेके जाते हैं, तो आधार कार्ड में जैसे नाम लिखा है, जो सर नेम लिखा है, उसी नेम से ही आप यहाँ पर बुकिंग कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बुकिंग कर दें और फिर वहाँ अलग नेम है, वहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में अलग चेंज है, तो फिर आपको दिक्कत डेफिनेटली आएगी। Before proceeding towards making payment, kindly confirm passenger list along with the route, date and slot. Payment करने से पहले एक बार recheck जरूर करिए कि जो भी को passengers आपने add करने थे वो हो चुके हैं, date वगैरह exactly वही है जो आपको चाहिए थी, और slot भी वही है जो आपको चाहिए था। और एक चीज़ बता दूँ जी, return slot में अगर आप same day की journey लेते हैं तो कम से कम 6 घंटे का difference रखा कीजिए। अगर आप लाइक सुबेरे 6 बजे का मॉर्निंग का स्लॉट चूज़ कर लेते हैं तो रिटर्न में आप ये मत सोचिए कि आप दर्शन करके जल्दी वापस आ लेंगे, तो वापसी में आप 3 बजे वाला स्लॉट ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। बल्कि आप 9 बजे वाला स्लॉट लेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले भी पहुंचना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है हेलीपैड पे, और आप अभी दर्शन करने के लिए ही अगर आपके पास 1.5 घंटे का बफर है तो वो काफ़ी कम होता है जी। कई बार रश ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है, तो अर्ली 5-6 घंटे का आप डिफरेंस ज़रूर रखिए। और इसी के साथ अगर आप जो जर्नी है वो पंचतनी हेलीपैड से ओली के की तरफ कर रहे हैं तो बैंक डिटेल सब्सटेंशियल टाइम द स्लॉट्स अवेलेबल बिटवीन टू एंड फ्रो ओली के शेल अपीयर विद ए गैप ऑफ एटलीस्ट 6 आवर्स। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर मैंशन हुई, बट लिखी हुई है क्योंकि ये काफ़ी डीप बात थी। और अंडर नो सर्कमस्टांसेस रिफंड रीशेड्यूलिंग कैंसिलेशन एडिटिंग शैल बी अलाउड वंस अ टिकट इज बुक। अगर आपकी टिकट एक बार बुक हो चुकी है तो कोई यहाँ पर आपके पास प्रोविजन नहीं है कि आप उसको कैंसिल कर सकें या फिर अमेंड कर सकें, रीशेड्यूल कर सकें, कुछ भी ऐसा आपके पास है ही नहीं। मतलब बुक होगी तो बस चढ़ गए जी, ठीक है ना। एवरी हेली पैसेंजर शुड कैरी अलॉन्ग विद ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए जो कि डॉक्टर से ड्यूली स्टैम्प साइन हो, ठीक है। ये आ गया जी, लिस्ट ऑफ डॉक्टर ऑथोराइज टू इशू कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट इज अवेलेबल हेयर। अब आप देख सकते जी कौन कौन आपको दे सकता है जी, लिस्ट ऑफ डॉक्टर ये देखिए जी, हरियाणा में भी लिखी हुई है, हरियाणा की ये है जी, तो इसको आप अलग अलग स्टेट की दी हुई है, आप इनको लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है जी लिस्ट ऑफ डॉक्टर। एक आपका PMO आपको दे सकता है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट चेयरमैन आपको दे सकता है, फिजिशियन दे सकता है, ऑर्थोपीडिशियन दे सकता है आपको, ठीक है जी। कमेटी सिचुएटेड एट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SMO दे सकता है, फिजिशियन दे सकता है, ऑर्थोपीडिशियन दे सकता है आपको, ठीक है जी। अब ये सिविल सर्जन ऑफ द स्टेट हैं, ये सारे सिविल सर्जन हैं, ये देखिए जी ये सब के नाम लिखे हुए हैं, ये देखो जी गुरुग्राम PMO वीरेंद्र यादव, ये हिसार, जींद, कैथल, पानीपत, पलवल,
यमुनानगर, और ये देखो जी हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्डर, ये भिवानी, अम्बाला, ये झज्जर, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं गवर्नमेंट की। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर वगैरह किसी से अगर आप लेते हैं तो उन सब के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं मेल आईडी के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जी। इसी के साथ वापस चलते हैं अपनी उसी पे ही यात्रा पे ही। तो अब हम बैक कर लेते हैं जी, ये हमने देख लिया। ओके, इसको अब हम बैक कर लेते हैं जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी। इन केस ऑफ एली पैसेंजर बुक टिकट्स ऑनवर्ड्स रिटर्न फॉर स्लॉट ऑफ 12 PM ही शी माइट टू रिक्वायर्ड स्टे एट पतंजलि ड्यू टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न टू पतंजलि आफ्टर दर्शन एंड नॉन कंडक्ट ऑफ एली ऑपरेशन इन द लेट आवर्स ड्यू टू विजिबिलिटी वेदर कंडीशन एक्सेट्रा। पेड अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल एट पंचतरणी। अगर आपने मान लीजिए कोई भी रिटर्न स्लॉट लिया है आफ्टर 12 बजे, 12 बजे के बाद का अगर आपने रिटर्न स्लॉट लिया है, अब देखिए जी यही प्रॉब्लम होती है। जनरली लोगों को पता होता है कि यार जो बारिश वगैरह होती है उसके चांसेस 12 बजे के बाद ज़्यादा होते हैं बजाय कि अर्ली मॉर्निंग के। अर्ली मॉर्निंग में अगर बारिश आती है ना जनरली स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो भाई पूरे दिन ही चलती है। इनकेस 12 बजे 1 बजे के बाद ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस जगह ऐसी लोकेशंस पे बारिश होने के। तो अगर बारिश आती है तो आप ये देख लीजिए जी, अगर 12 बजे के बाद का स्लॉट है और अगर आप बारिश या किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से आपका अगर ड्रॉप हो रहा है हेली सर्विसेज आज के लिए, तो फिर आप कल कर सकते हैं और वो ऑलरेडी रीशेड्यूल हो जाएगी आपकी सर्विसेज। बट वहाँ पर फिर आपको रुकने के लिए पंचतरणी पर पेड अकोमोडेशन अवेलेबल है, आपको वो लेनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा होगी, चार्जेबल होगी। अब ये देखिए जी, हेलीकॉप्टर में ऑपरेटर में रिक्वायर कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर ऑपरेटिंग ए गिवन सॉर्टी। ठीक है, मिनिमम उसको बंदे चाहिए तभी वो फ्लाई करेगा। द डिसीजन रिगार्ड शैल बी टेकन बाय द हेलीकॉप्टर विच शैल बी द फाइनल। अगर हेलीकॉप्टर ये डिसीजन लेता है कि मेरे को जितने बंदे चाहिए थे उतने हो चुके हैं और मैं फ्लाई कर सकता हूँ तो ही वो उड़ाएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। पैसेंजर शुड रिपोर्ट एट कंसर्न्ड हेलीपैड एटलीस्ट 30 मिनट्स। हेलीपैड पे आपको एटलीस्ट मैं तो 1 घंटा बोलता हूँ, क्योंकि जब हम माइंड में 1 घंटा सोचते हैं तब हम आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले पहुँचते हैं। तो आप 1 घंटा माइंड में लेके चलिए, तब आप आधे घंटे पहले ज़रूर पहुँच जाएंगे हेलीपैड पे। ठीक है, जो भी आपका स्लॉट है उससे आधे घंटे पहले, लाइक 12 से 3 का स्लॉट है तो आपको 11:30 में पहुँच जाना चाहिए एटलीस्ट। और जो ऑल भी डिस्प्यूट्स हैं वो तो सब छोड़ी दो जी, ये अब यहाँ पर आपको एग्री करना है और यहाँ पर जाके आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ फिर आपके पास जो ओटीपी आएगा वो डालेंगे। तो जी इस तरीके से ये सारा चलता है। अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। सो गाइज, आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने ओपन हो चुका है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपका सामने ओपन होगा और अब आप इसमें देख सकते हो जी, मैंने जो सेलेक्ट करा था वो दिखा रहा है कोटा एग्जॉस्टेड फॉर वन ऑफ मोर रूट्स। फिलहाल ऊपर से शुरू करते हैं कि ये देखिए, पैसेंजर इज नॉट शोइंग द लिस्ट, यू विल नीड टू फ्रीज एड को यात्री पे। सिंस द जर्नी ऑफ पंचतरणी हेलीपैड टू होली केव एंड बैक रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, द शेड्यूल फॉर द राउंड ट्रिप हेली सर्विसेज शुड एंश्योर अ मिनिमम इंटरवल ऑफ 6 आवर्स बिटवीन द डिपार्चर एंड रिटर्न स्लॉट्स। ठीक है जी, तो 6 घंटे का है वो इन्होंने दोबारा बता दिया। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस रिफंड रीशेड्यूलिंग कैंसिलेशन, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाएगा किसी भी सर्कमस्टांस में। इफ़ अ हेलीकॉप्टर पैसेंजर बुक्स द फाइनल स्लॉट ऑफ द डे, द दे मे नीड टू स्टे ओवरनाइट एट पंचतरणी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस और अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। वो ये कि अगर आपने सेम डे का रिटर्न स्लॉट लिया तो हो सकता है कि आपको पंचतरणी में स्टे करना पड़े। पेड अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स अवेलेबल है पंचतरणी में स्टे के लिए। ठीक है जी, हेली ऑपरेटर में रिक्वायर सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑपरेटिंग फॉर अ गिवन रूट। तो हेली ऑपरेटर को मिनिमम पर बंदे चाहिए फ्लाई करने के लिए। अब आप देख सकते हैं जी, पहलगांव डेस्टिनेशन पंचतरणी, ऑपरेटर एरो कैस्टल थम्बी, डेट 16 जुलाई, सेलेक्टेड स्लॉट 6 से 9, पर पर्सन फेयर 4900, टोटल फेयर ये सीट्स अवेलेबल 0। भाई फुल हो गई, इतनी जल्दी फुल हो गई। और ये देखो जी, रिटर्न स्लॉट मैंने बुक करा था सेम 12 से 3 का और 4900 पर पर्सन, बट फुल हो गई भाई, ये भी फुल है। ऑल दो मैंने ये गलत सेलेक्ट करा था, 12 से 3 मुझे नहीं करना है, 6 घंटे के इंटरवल में 3 बजे वाला स्लॉट बनता है। और अब आप देख सकते हो जी, अल्टरनेट डेट ना नीचे दिखा रहा है,
तो ये रिटर्न वाले में 43 सीट्स अवेलेबल है 17 जुलाई को एरो कैस्टल वाले में ही, बट उसके अलावा रिमेनिंग 16 जुलाई 17 जुलाई जाने का भाई बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और अब देखते हैं जी, मैं डेट चेंज करी है, अब आप देख सकते हो जी, और जी अब आप वापस से देख सकते हो जी, ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। रिटर्न में तो मेरे को मिल रही है एक सीट अवेलेबल, बट जाने वाले टाइम पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है भाई। तो 17 जुलाई का भी फुल है, ऑल दो 16 जुलाई 17 जुलाई दोनों ही दिखा रहा था, बट मैंने फिर भी 17 जुलाई सेलेक्ट कर ली। एनीवेज कोई बात नहीं, फिलहाल अभी फिर से डेट चेंज करते हैं। सो गाइज अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जी, डेट मैंने सेलेक्ट करी है जी अब 18, और 18 तारीख को रिटर्न में भी जीरो दिखा रहा है और जाने वाले टाइम पर भी जीरो दिखा रहा है। सो गाइज अब आप देख सकते हैं मैंने अब डेट सेलेक्ट करी है जी 1 जुलाई, मैंने कहा देखते हैं क्या पोजीशन है, ट्राई करके देखते हैं, वैसे एक तो करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी आप देखो जी बिल्कुल 0-0 दिखा रहा है जी दोनों में ही। और ट्राई करते हैं दूसरी और कोई डेट ट्राई करते हैं, बाकी नीचे अल्टरनेट पे भी ये देखो जी 1 जुलाई का रिटर्न में एक एरो कैस्टल में दिखा रहा था, बट पता नहीं क्यों ऊपर तो जीरो दिखा रहा है, नीचे अल्टरनेटिव डेट और स्लॉट कोटा के अंदर नीचे दिखा रहा है भाई 22, ये देख रहे हो आप 22 दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है, कैसे, क्या चक्कर है, पता नहीं। बाकी अब मैंने ये सेलेक्ट करी है जी 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को देखो जी वापसी में 2 सीट अवेलेबल दिखा रहा है 3 बजे से 6 बजे वाले उसमें, और 4900 रुपये का फेयर है, बाकी ऊपर जाते समय तो भाई 0 ही है, नॉट अवेलेबल। तो अल्टीमेटली जी पता ये चला है कि अभी सीट्स बहुत जल्दी फुल हो गई यार, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। एक तो पता है क्या प्रॉब्लम है, ये जो हेली टिकट्स होती हैं इसका ना कुछ भी अनाउंस नहीं होता है वेबसाइट पे कि कब ओपन होगी कब नहीं होगी। जनरली आइडिया था 20 से 21-22 तारीख के आसपास ये ओपन होगी, और मैंने कल ही चेक करा था, व्लॉग तो आप आज देख रहे हो, और मतलब यार 2 से 3 दिन के अंदर यार पूरी, मतलब ये लगा लो ऑलमोस्ट फुल ही है, हर डेट पर अवेलेबल नहीं है तो मतलब फुल ही है ना भाई। अब वो ये यार, और इसका ये भी नहीं पता होता कि किस टाइम पे वेबसाइट पे अवेलेबल होएगी, किस टाइम पे ओपन होएगी। लाइक वैष्णो देवी वगैरह में क्या होता है कि सुबेरे 10 बजे साइट पे चीज़ें डलती हैं, ओपन होती हैं, बट यहाँ तो भाई इसमें कुछ नहीं पता होता, ये कभी भी ओपन हो जाती है यार, तो सारी फुल हो चुकी हैं, हार्ड लक। तो बस थोड़ा सा यार बस मिस हो गया ये वाला चांस ना, बाकी रिटर्न का फिर भी अवेलेबल है। देखो भाई अगर आप सोच रहे हो तो रिटर्न वाला में कुछ नहीं होता, रिटर्न बहुत इजी होता है भाई, जब आप यात्रा करके थक चुके होते हो ना और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो भाई रिटर्न आना भी उतना ही भारी लगता है, उस समय उतना ही ज़्यादा भारी लगता है, तो उस समय भी लगता है कि यार रिटर्न के अंदर कुछ अपने को ऐसा मिल जाए कि हम इजीली एकदम से पहुंच जाएं। तो मैं तो कहूँगा अगर आप रिटर्न वाला कर सकते हो तो भाई रिटर्न वाला भी बुक करो, रिटर्न वाला बुक करने से आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, आप इजीली वापस आ पाओगे, तो मैं तो कहूँगा कि आप कर लो, बाकी देखते हैं कैसा होता है। और फिलहाल गाइज दूसरा हमने बात करी थी स्टार्टिंग व्लॉग में कि जो आप वर्चुअल पूजा प्रसाद वगैरह की सर्विसेज बुक करते हैं, तो अगर मैं उसको भी दिखाने जाऊंगा भाई व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी उसको नहीं दिखा रहे हैं, उसको नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस वाले व्लॉग के को यहीं हेलीकॉप्टर सर्विसेज तक ही सीमित रखते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, बढ़िया लगी है, तो भाई डेफिनेटली जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे अगर नहीं हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कमेंट में, हर हर महादेव जरूर कमेंट कर देना। और यात्रा पे अगर आ रहे हो और कुछ भी अगर और कुछ मेरे से मिस हो गया है, कुछ भी पूछना है तो भाई कमेंट कर सकते हो, आपका भाई आपका रिप्लाई कर देगा। फिलहाल के लिए अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा तो फिर से कहूँगा जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में, टिल देन Smile. Keeping your life 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी जल्दी जाके फॉलो कर लो, लेटेस्ट अपडेट रील की हो हम सबसे पहले वहीं पर आते हैं। तो मिलते हैं गाइस दोबारा, बाय बाय।